मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर लेके आई हूँ सावन दूध के सोमवार का। और आज मैंने फ्लावर्स भी कुछ कुछ तोड़े हैं। ये है रेड फ्लावर, जिसे आप अंग्रेजी में हिबिस्कस, हिंदी में अरुल और बंगला में जवा फूल कहते हैं। ये फ्लावर जो है आप गणेश भगवान, हनुमान जी और माता रानी को चढ़ा। ये हो गया बेलपत्र, मैंने बहुत छोटे छोटे बेलपत्र लिए हैं अपने शिव भगवान को चढ़ाने के लिए। गुल्लू भी आ रहा है देखने के लिए। और ये अपराजिता है जो शिव भगवान को चढ़ेगा। और ये है दुबी जो शिवलिंग जी को चढ़ेगा। और ये वाइट फ्लावर जैसे सरस्वती माता शिवलिंग में भी आप चढ़ा सकते हैं। आइए हम पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मेरी शिवलिंग की पूजा हो चुकी है। मैंने रोली चंदन लगाया और लकीली मुझे एक पीला फूल मिला जो मैं इसको चढ़ाई। और येलो फूल जो है चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और मैंने रोली चंदन, प्लीज़ आप लोग भी चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जितना हो सके चढ़ाइए। सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ होता है शिव भगवान का पूजा। आप इसमें गंगा जल चढ़ाते रहिए, भोले बाबा प्रसन्न रहेंगे। भोले बाबा का ही तो दिन है। तो देखिए, ये मेरी पूजा हुई है। आंवला वर्ती, आंवला जी का पेड़ जिसको मैं पूजा करती हूँ। और ये है वट जी का पेड़ जो मैं वट सावित्री में कहीं पेड़ ढूंढने जाती नहीं हूँ, इसी की पूजा करती हूँ और जल चढ़ाती हूँ डेली। और ये हो गया दो राधा कृष्ण के तुलसी जी के पौधे, ये शालिग्राम। और ये हो गया ध्वजा। जी हाँ, मैंने ध्वजा लगाया था इसमें रामनवमी में। तो ये चीज़ की भी मैं पूजा करती हूँ पौधे की, आप लोग भी किया कीजिए। तो दोस्तों, ये थी दूसरे सोमवार, मतलब सावन का दूसरा सोमवार की पूजा जो मैंने दिखाया। आज मैंने ग्रीन ग्रीन ईयर रिंग्स भी पहना है, मैचिंग ये ड्रेस। आज मैंने साड़ी नहीं, सूट पहना है। आप लोग भी पूजा कीजिए सावन में, बहुत जल चढ़ाइए, भोले बाबा प्रसन्न होंगे कि भोले बाबा से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि नौ ग्रह को शांत करना है, आप भोले बाबा का पूजा कीजिए, नौ ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और मेरे साथ यूं बने रहिएगा। थैंक यू। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।